दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं वे क्या कह रहे हैं। लोगों के काम घर में किए जाते हैं, बड़े लेवल का भ्रष्टाचार था वो खत्म किया हमने, जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है, हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की, पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे, यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है, उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं, हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है, एक है सरकारी नौकरियां जिसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, या तो आप मंत्री या एमएलए के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। इसे खत्म करेंगे, हर उत्तराखंड के बच्चे को हर सरकारी नौकरी के ऊपर उसका उसको बराबर का अवसर मिलेगा, बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नौकरियां मिलेगी, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर नौकरियां तैयार की जा सकती है। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। महिलाओं के लिए हर महिला को 1,000-1,000 रुपए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को, उसकी जरूरतों के लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, 1,000-1,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये वादे करते हुए कि अगर उत्तराखंड में भी लोगों ने उन्हें मौका दिया तो वो क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे जनता को। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।